नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के ग्राम बड़की एवं झरनाडाना में हुए सरपंच चुनाव में प्रत्याशी ने लगाए मतगणना में धांधली के आरोप, जिस पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी को लेकर मतगणना के बाद भी प्रत्याशी समर्थकों ने मतगणना स्थल पर विरोध जताया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाई थी। इसके बाद मतदान दल वहां से रवाना हुआ। मामला बैतूल के भीमपुर ब्लॉक की बटकी ग्राम पंचायत का है। इस पंचायत से समूहता पत्नी सेवाराम तुर्वे निवासी खुर्दा ने भी सरपंच चुनाव लड़ा है। ये मतदान केंद्र 25 का है। मतदान स्थल शासकीय प्राथमिक थाला बटकी में था। सरपंच प्रत्याशी समूहता के अनुसार यहां वोटों की गिनती में अनियमितता पाई गई, जहां उन्हें एकमात्र वोट मिलना बताया गया है। आज बैतूल मुख्यालय पर ग्राम बड़की के करीब 150 ग्रामीणजन उपस्थित रहे हैं, जिनके द्वारा व्यक्त किया गया कि उन्होंने अपना वोट श्रीमती धुर्वे को ही दिया है। निर्वाचन में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पुनः मतगणना की मांग कर रहे हैं, जिसकी शिकायत करने ग्रामीणजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे। संवाददाता देवीनाथ लोखंडे की रिपोर्ट।